18 जिलों से होते हुए पन्ना पहुंची चौरसिया समाज की जन चेतना रथ यात्रा। जो समाज को रखेगा मान उसका होगा मतदान। गौरव चौरसिया। मध्य प्रदेश के 18 जिलों से होती हुई चौरसिया समाज की जन चेतना रथ यात्रा सतना जिले के नागौद से होती हुई पन्ना जिले के गंज सलेहा पटना तमोली पवई मोहंद्रा अमानगंज होते हुए पन्ना नगर की बड़ी देवी मंदिर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत कर आराध्य गुरु चौर ऋषि महर्षि का आशीर्वाद लिया। जिले में यात्रा की समाप्ति के बाद आदर्श चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष गौरव चौरसिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के चौरसिया समाज को संगठित करने जन चेतना रथ यात्रा को निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश में अलग अलग घटक जातियों में फैले हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हर सरकार ने हमारे समाज की उपेक्षा और उनका शोषण किया है। समाज के पैतृक व्यापार पान की खेती में आर्थिक सहायता एवं पान विकास निगम जैसे बड़े मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ सभी सरकारों ने वादे किए हैं, उनको कभी पूरा नहीं किया। चौरसिया समाज ने हमेशा मध्य प्रदेश में सभी सरकारों को बनाने में निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है, लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चौरसिया समाज उसी को वोट देगा जो हमारे समाज का भला और मांगों को पूरा करेगा। ये जन चेतना रथ यात्रा नर्मदापुरम होशंगाबाद से 30 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुई, जिसने अब तक 18 जिलों से होते हुए पन्ना में प्रवेश किया है और अब इसके बाद हम छतरपुर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में समाज को एकत्रित करने के लिए इस जन चेतना रथ को ले जाएंगे। यात्रा आ रही है आपकी, कितने जिलों से आ रही है, क्या उद्देश्य पूरी जन चेतना रथ यात्रा का? जन चेतना रथ यात्रा हमारे आदि पूर्वज कुलगुरु चौर ऋषि महाराज जी की जन चेतना रथ यात्रा अभी 18 जिलों को होते हुए 19वां जिला आज पूरा हुआ। हम लोग होशंगाबाद हरदा छिंदवाड़ा शिवनी बालाघाट मंडला डिंडोरी अनूपपुर शहडोल उमरिया होते हुए कटनी जबलपुर सागर नरसिंहपुर दमोह सतना रीवा सीधी के बाद आज ये पन्ना जिले में हम लोगों का है और आज छतरपुर जिले में प्रवेश करेंगे। यह जन चेतना रथ यात्रा लगातार अभी अनवरत जारी रहेगी, जब तक हम अपने पूरे मध्य प्रदेश के समाज की जनगणना सामाजिक चेतना व सामाजिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर देते, जब तक ये यात्रा जारी है। और हमारे समाज की संख्या के आधार पे हमें राजनीतिक भागीदारी सत्ता व संगठन में भागीदारी समाज की संख्या के हिसाब से हमें जो राजनीतिक दल सम्मान देगा, इस बार चौरसिया समाज के सभी घटक उसे ही मतदान करेंगे। लगातार शोषित हो रहा है समाज, और क्या कहेंगे कि अगर सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती तो क्या स्टेप होंगे हमारे समाज के? हमने अभी आपसे कहा कि जो दल देगा हमें सम्मान, इस बार समाज उसे ही करेगा मतदान। और मांग क्या है भोपाल में अपन को कार्यालय बनाने की? हम हमारे समाज के कुलगुरु आदि पूर्व चौर ऋषि महाराज जी, जिस तरह समाज ने हर समाज के कुलगुरु को उनके भगवान को देवी देवताओं को आश्रम के लिए जगह दी हुई है, मंदिर के लिए जगह दी हुई है, हमारे भी आदि पूर्वज कुलगुरु चौर ऋषि महाराज जी हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा उनका मंदिर बनाने के लिए हमने शासन से अनुरोध किया है, मांग पत्र भी दिया है, मांग भी करी है कि स्थान दें और हमारे समाज को भी स्थान मिलना चाहिए। और हमारा समाज तो सदैव से हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ा रहा है, धर्म प्रेमी है, धर्म सभी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला अगर कोई समाज है तो वो चौरसिया समाज ही सबसे आगे आता है। जन चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन चेतना रथ यात्रा का सबसे प्रमुख उद्देश्य सामाजिक चेतना। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।